नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ सियासी जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए अब पूर्वांचल तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। 2 चरण के मतदान 3 मार्च और 7 मार्च को होने हैं, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल, अगर मुख्य रूप से बात करें तो सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के साथ पूर्वांचल में दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के बाद अब अपने दोस्त के बेटे के प्रचार के लिए निकलेंगे। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक बार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए निकले थे। वो मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा किए थे, जहाँ से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो खुद उम्मीदवार थे, तो वहाँ पे मुलायम सिंह यादव जनसभा किए थे। अब इसके बाद मुलायम सिंह यादव दूसरी बार प्रचार करने निकल रहे हैं, वो भी अपने सहयोगी और अपने करीबी दोस्त स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव के पक्ष में। हम आपको बता दें कि जौनपुर में 7 मार्च को मतदान होना है, जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जो है 3 मार्च को वहां पहुंचेंगे। और पूर्वांचल में जो यादव बेल्ट में एक समीकरण साधने की कोशिश है, वो मुलायम सिंह यादव जौनपुर के मल्हनी से करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं पे भी बीजेपी का दुर्ग बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 मार्च को जौनपुर पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जौनपुर की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि लकी यादव के सामने बाहुबली नेता जो है धनंजय सिंह, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी भी लगातार अपने बड़े प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जो मल्हनी की बात करें तो मल्हनी में 2020 में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर भी लकी यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और लकी यादव चुनाव जीते थे, तो इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लकी यादव के लिए प्रचार करने के लिए, अपने बेटे के बाद पहली बार प्रचार करने के लिए मुलायम सिंह यादव चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। हम आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 3 मार्च को गुरुवार को जौनपुर के मल्हनी सीट में जनसभा करेंगे। इस सीट पे उनके सबसे करीबी माने जाने वाले जो दोस्त थे वो पारसनाथ यादव पहले से ही चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे उपचुनाव लड़े और जीते। हम आपको बता दें कि 6वें चरण का जो चुनाव है वो 3 मार्च को होगा, 57 सीटों पर मतदान होगा। इसी तरह से जौनपुर में मुलायम की रैली से समाजवादी पार्टी जो है पूर्वांचल में यादव समीकरण और समाजवादी पक्ष पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देगी। इससे पहले 3 मार्च को जो अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे और वहां पे भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साथ में दिखाई देंगे। हम आपको बता दें मुलायम सिंह यादव 2017 के चुनाव में भी सिर्फ 2 रैली किए थे, जिसमें से एक रैली शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर में किए थे और दूसरी जनसभा पारसनाथ यादव के लिए मल्हनी विधानसभा सीट पर किए थे। तो पारसनाथ यादव से मुलायम सिंह का कितना करीबी रिश्ता रहा है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था, क्योंकि उस सिर्फ अपने भाई के लिए प्रचार करने के लिए निकले थे शिवपाल यादव के लिए और मल्हनी पहुंचे थे, लेकिन 2020 में उपचुनाव हुआ। लेकिन अब जब एक बार उनके दोस्त के बेटे उनके निधन के बाद प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मल्हनी में जनसभा के लिए पहुँच रहे हैं।